नमस्कार, झारखंड के संध्या समाचारों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की दिन भर की मुख्य बड़ी खबरों को। सीएम हेमंत सोरेन ने दिल्ली में लालू यादव से की मुलाकात, पूछा उनका कुशलक्षेम। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नई दिल्ली में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। इसे लेकर हेमंत सोरेन ने अपनी ट्विटर अकाउंट पर लिखा, कल रात दिल्ली में राजद सुप्रीमो और मेरे अभिभावक स्वरूप लालू प्रसाद यादव जी से मुलाकात कर उनका कुशलक्षेम पूछा। परमात्मा आपको उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु प्रदान करे, यही कामना करता हूं। आप सबको बता दें कि सीएम हेमंत पीएम मोदी के साथ बैठक के लिए दिल्ली गए हुए हैं। यहां वे झारखंड के सभी राजनीतिक दलों के प्रमुख नेताओं के साथ पीएम से जातिगत जनगणना और सरनाथ धर्म कोड को लेकर बात करेंगे। झारखंड के शिबू सोरेन बोले, झारखंड आंदोलनकारियों को जरूर मिलेगा राजकीय सम्मान। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा का प्रतिनिधिमंडल शनिवार को झारखंड आंदोलनकारियों के अगवा दिसम गुरु शिबू सोरेन से उनके आवास पर मिला। प्रतिनिधिमंडल ने राज्य के लिए संघर्ष करने वाले झारखंड आंदोलनकारियों को सरकार द्वारा राजकीय मान सम्मान, नियोजन, पेंशन और पहचान नहीं दिए जाने की शिकायत की। इस पर शिबू सोरेन ने कहा कि एक बार सरकार से मिलकर बात करें, फिर मुझे बताएं, जरूरत होगी तो मैं खुद इस बारे में बात करूंगा। आंदोलनकारियों की बातें जरूर सुनी जाएगी। कहा कि सभी झारखंड आंदोलनकारियों को राजकीय सम्मान दिया जाएगा। प्रतिनिधि मंडल में मोर्चा के केंद्रीय उपाध्यक्ष प्रफुल्ल तत्वा, शिवलाल मारांडी, सुशील मुर्मू प्रमुख थे। बीमा योजनाओं से एक माह में 25 लाख ग्रामीण जुड़े, केंद्र ने अन्य राज्यों को झारखंड मॉडल अपनाने की दी सलाह। संक्रमण के कालखंड में ग्रामीणों के सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा किया जा रहा प्रयास रंग ला रहा है। एक ओर हंडिया दारू निर्माण और बिक्री कार्य में संलग्न 13,000 से अधिक महिलाओं को पिछले एक वर्ष में फूलों झानो आशीर्वाद अभियान से जोड़कर उनके लिए आजीविका के साधन सृजित किए। वहीं पिछले एक माह में 25 लाख लाभुकों को जीवन, दुर्घटना एवं स्वास्थ्य बीमा योजना से जोड़ा गया। इसके साथ ही सरकार अब 30 लाख लोगों को बीमा योजनाओं से जोड़ने के अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ा चुकी है। कोरोना काल में ऐसी योजनाओं का महत्व और भी बढ़ जाता है। झारखंड के बीमा कराए अभियान के मॉडल से प्रभावित होकर केंद्र सरकार ने अन्य राज्यों को भी झारखंड से नसीहत लेने की सलाह दी है। भारतीय महिला फुटबॉल टीम की करिश्मा ने झारखंड सरकार को सराहा, कहा सीएम की पहल से जमशेदपुर में हुआ नेशनल कैंप। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का खेल प्रेम जग जाहिर है, दूसरे राज्यों के खिलाड़ी भी उनके खेल प्रेम के मुरीद हो गए हैं। जमशेदपुर में चल रहे भारतीय महिला फुटबॉल कैंप में भाग लेने वाले खिलाड़ी भी मानते हैं हेमंत सोरेन के कारण ही नेशनल कैंप का आयोजन हो पाया है, नहीं तो इसका होना मुश्किल था। टीम में शामिल गोवा की करिश्मा पुरुषोत्तम ने शनिवार को दैनिक जागरण से बातचीत में कहा कि हम लोग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का शुक्रिया अदा करते हैं, उन्हीं के प्रयास से यहां पर कैंप आयोजित हो पाया है। कोरोना महामारी के कारण कोई भी राज्य कैंप आयोजित करने में रुचि नहीं दिखा रहा था, ऐसे समय में हेमंत सोरेन ने आगे बढ़कर शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया। उन्होंने शिविर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधा प्रदान कराई, इससे हम वापस लय में आने में सफल रहे। पिछले 1.5 वर्ष से हम फुटबॉल के मैदान से दूर रहे, लेकिन अब खिलाड़ी लय में आने लगा है। महिलाओं के लिए खुशखबरी, झारखंड में कई पदों पर मांगे गए हैं आवेदन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वर्ष 2021 को नियुक्तियों का वर्ष कहा है। इस दिशा में प्रक्रिया शुरू भी कर दी गई है। विभागवार रिक्तियों की सूची तैयार की जा रही है। इसके साथ ही रिक्तियों को भरने के लिए संबंधित विभाग की तरफ से अधिसूचना जारी भी की जा रही है। इसी कड़ी में महिलाओं के लिए अच्छी खबर है, बड़ी संख्याओं में महिलाओं की नियुक्ति की जानी है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने शिक्षक सहित विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके जरिए कुल 497 रिक्त पदों पर बहाली की जाएगी। यह बहाली झारखंड के विभिन्न जिलों के लिए निकाली गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट jpc.jharkhand.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार इन पदों के लिए केवल महिला उम्मीदवार ही आवेदन कर सकती है, पुरुष उम्मीदवारों का आवेदन मान्य नहीं होगा। चयनित महिला उम्मीदवारों की नियुक्ति विभिन्न जिलों के आवासीय कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में की जाएगी। आवेदन की अंतिम तिथि 27 सितंबर 2021 है। टीचर पद के लिए 341 पद है, फुल टाइम चौकीदार के लिए 57 पद है, फुल टाइम कुक के लिए 50 पद है और अकाउंटेंट और कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 31 पद है। शिक्षक पदों के लिए उम्मीदवार के पास संबंधित विषय में से किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, उम्मीदवार ने बीएड के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा पास की हो। अकाउंटेंट पद के लिए उम्मीदवारों के पास बीकॉम की डिग्री होनी चाहिए,
कुक पद के लिए उम्मीदवार का 10वीं पास होना अनिवार्य है। इन पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों की आयु सीमा 21 साल से 35 साल के बीच होनी चाहिए। अधिकतम आयु की सीमा में बीसी वर्ग के उम्मीदवारों को 3 साल और एससी और एसटी वर्ग के उम्मीदवारों को 5 साल की छूट दी गई है। उम्मीदवारों का चयन संविदा के आधार पर किया जाएगा। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन पत्र डाउनलोड कर उसे भरकर अपने संबंधित जिले के जिला कार्यक्रम समग्र शिक्षा अभियान के कार्यालय में निर्धारित तिथि तक जमा करें। याद रहे कि आवेदन की अंतिम तिथि 27 सितंबर 2021 है। कब है जितिया व्रत, जानिए महत्व, शुभ मुहूर्त और इनका पूजन विधि। संतान प्राप्ति, संतान की दीर्घायु, आरोग्य और सुखमय जीवन के लिए साल भर कई व्रत किए जाते हैं। उन्हीं में से एक है जितिया व्रत। हिंदू धर्म में इस व्रत का विशेष महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार जितिया पर्व हर साल अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस बार जितिया व्रत 28 से 30 सितंबर तक मनाया जाएगा। जितिया का त्यौहार महिला बड़ी उत्साह के साथ मनाती है। इनमें माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और सुखी जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती है। जितिया व्रत के दौरान व्रत कथा सुनने और पढ़ने से संतान की दीर्घायु, आरोग्य और सुखमय जीवन के संतान प्राप्ति की कामना पूरी होती है। इससे संतान को लंबी आयु का भी वरदान प्राप्त होता है। संतान की सुख और समृद्धि के लिए जितिया व्रत 3 दिनों तक चलता है। पहला दिन नहाय खाय, दूसरा दिन जितिया निर्जला और तीसरे दिन पारण किया जाता है। अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि 28 सितंबर की शाम 6:16 से 29 सितंबर की रात 8:29 तक रहेगा। दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।